अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आप लोग ठीक ठाक होंगे सो उम्मीद करता हूँ। और वेलकम बैक न्यू व्लॉग जी गाइस। तो आज का काम कुछ गाड़ी के मुतल्लिक ही था और मैंने इसके लाइट्स वगैरह चेंज करवानी थी गाड़ी की ना, क्योंकि आगे से फॉग वो आ रही है, फॉग्स नाइट होंगी। सो इस वजह से मैं सोचा कि ना गाड़ी की लाइट्स वगैरह चेंज करवा लें, मतलब कि इंडिकेटर्स वगैरह मैंने मंगवाए थे, मैं वो भी आपको दिखा दूँगा। और गाड़ी के मुतल्लिक काफ़ी भाइयों के सवाल जवाब थे और मैं आता हूँ एक मिनट। तो जी गाड़ियों के मुतल्लिक काफ़ी सवाल जवाब थे भाइयों के, उसके जवाब देने थे, और उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं पूछने वाली वो चीज़ें थी उनके अबाउट भी बताऊंगा। और आज एक भाई का बड़ा एक सीरियस वाला क्वेश्चन था और उसके अबाउट भी मैंने बताना था भाइयों को। वो ये था कि जी भाई पूछ रहे थे कि कराची रजिस्टर्ड गाड़ी कैसे लेनी है, उसका क्या प्रोसेस है, उसके अलावा गाड़ी लेने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, मैं वो भी बताऊंगा। गाड़ी की प्रेस ब्रैकेट भी बता दूंगा, जो भाई कह रहे थे कि आपने इतनी सेविक रखी है तो उसके अबाउट बता दें कितने की ली कितने की बेची, तो मैं वो भी बता दूंगा। जो भी आज जितने सवाल जवाब हैं वो सारे मैं बताऊंगा। तो गाड़ी का बारे से दिखा देता हूँ मैं, काम क्या करवाने आया हूँ। आ रहा हूँ तेरे पास ही आया हूँ मैं वैसे भी। तो इसके इंडिकेटर बल्ब मैंने लिए थे, वो चेंज करवाने हैं। वो करवाने के बाद मैंने लाइट पूछी थी इसकी जो यहाँ से टूटी हुई है। क्या हाल शकील भाई? ठीक है अल्लाह का शुक्र। शकील भाई इसका हल बताया मुझे। इसका हल चेंज ही है, देसी कवर मिल रहा है 4 से 5 हज़ार का। हाँ जी 45 रुपये का। पता कितना भाई? ना वो पता कर लिया था अहमद भाई, ऐसी बात हो गई थी मेरी। शीशा कह रहे परसों लगाया, किधर लगाया? कल लगाया, कल हाँ 2000 का। देखो कोई पड़ा हो यार। सो गाइस लाइटें वगैरह इसकी साफ करवानी थी मैंने, वो करवा लें ताकि पहले लाइटों का काम क्लियर हो जाए। इसका पूछा था जी देसी कवर जो है वो ही तकरीबन 4.5 से 5 हज़ार रुपये का, जो कि 2-3 महीना बाद येलो हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा बम्पर्स वगैरह पे बाद में आएंगे, पहले मैं सोचा इसको क्लियर कर लें ताकि ये मेन चीज़ है मेरे लिए फ़िलहाल, क्योंकि ये लुक बड़ी ख़राब कर देती है। और ये नीचे वाली चीज़ ये तो इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर ना इसका मैंने बम्पर किट वगैरह लगवा के ना पेंट करवा लूँगा, क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। सो लाइट का जुगाड़ लगवाने आए हैं, देखते हैं इसका कोई जुगाड़ लगता है वो आपको दिखा दूंगा, नहीं तो चेंज होना हुआ तो चेंज ही होगा। तो चेंज तो वैसे भी हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देसी पे ना मैं जाऊँ, क्योंकि पैसे ज़ाया ही हैं और एक दो महीने के रिज़ल्ट के बाद बिल्कुल जो होती है वो हो जाएगी, ब्राउनिश हो जाएगा कवर। तो अभी चलते हैं जाके पता करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा मैं आपके सारे सवालात के जवाब भी दूंगा अभी थोड़ी देर में, जैसे इसका पहले पता कर लें फिर आराम से हम गाड़ी में बैठ कर डिस्कशन करते हैं। सब चलते हैं जाके ज़रा गाड़ी का चेक करवा लें क्या बनता है, और अब चलते हैं। ये हमारे वॉल्टर की मार्केट अच्छी खासी, यहाँ से काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है फिलहाल, तो पहले जाके पूछते हैं फिर करते हैं बाद इस पर। ओके तो गाइस इसका पूछे इनके कवर देसी मिलने हैं, अगर लाइट चेंज कराऊं तो वो अलग चीज़ है। तो फिलहाल हम इसी पे जुगाड़ लगा रहे हैं, इसको हम करेंगे ब्लैक में, ग्लोसी ब्लैक कर लेंगे ताकि गाड़ी की लुक ज़रा खूबसूरत हो जाए। नीचे वाले जो फॉग लैंप्स है उसको हम सही फिट करा लेंगे, वो पहले साफ़ है, ठीक है। इन पे ग्लॉसी ब्लैक कवर हो जाएगा, वो करवाने के बाद नीट एंड क्लीन हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर जो रह जाएगा तो पिछली लाइटें रह जाएंगी, वो पिछली लाइटों पे भी मैं एक वैरायटी लगवा ही रहा हूँ इंशाल्लाह, आपको दिखाता हूँ लगवा के। और अब कंसोल की जो बात हुई है वो भी मैंने करवाना था ब्लैक, और वो ये है वो करवाना है ब्लैक वो वाला। सो ये भी करवाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा क्या फ़ाइनल लुक आई है, सो अभी वेट करते हैं। सो गाइस आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सवाल के जितने जवाब हैं सारे वो दूंगा अब मैं, ताकि ये साथ साथ भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। कंसोल सारा खुलवाया हुआ है ताकि इसको हम ब्लैक में कर देंगे, और कल लाइट का वही करती है और पीछे से भी वो जो होनी थी वो कर दी है, अभी जैसे फाइनल होती है इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पर। एक भाई का क्वेश्चन था कि यार कराची की रजिस्टर्ड गाड़ी जो लेनी हो उसके लेने के क्या एक जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो हमें करनी चाहिए। सबसे पहले यार कराची की गाड़ी की जो वेरिफिकेशन है ना वो कराची से ही होती है, इन लाहौर में नहीं होती, क्योंकि ऐसे ही इस्लामाबाद की भी ऐसी कराची सिंध जो होती है उधर की होती है। अब इसको आपने कराची की गाड़ी ख़रीदनी है तो उससे पहले उससे पूछो भाई उसकी फ़ाइल सारी वो क्लियर है, उसके जितने ओनर्स हैं उधर वो चेक करें, और ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएँ, मतलब कि
सिंध वेरिफिकेशन जो होती है, जैसे हमारा एक्साइज टैक्स सेक्शन है, ऐसे सिंध के नाम से कराची का भी होता है, वो आप सर्च करेंगे तो उस पर आपको मिल जाएगा। उस पर गाड़ी का नंबर शंबर लिखेंगे, आपको पता लग जाएगा, जो उसका करंट ओनर है उसका कार शेड होगा, आपको वो बता देगा कि जी मेरे नाम है ये, आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी जी। वो अगर आप ले लेते हैं, उसके बाद आपको जो क्लियर करनी है, जो आपने अपने नाम करानी है, रजिस्टर्ड करानी है, रजिस्टर्ड कराने का ये तरीका है कि आप इधर जाएं, एक्साइज पे जाएं या कचहरी जाएं, वहाँ पे एजेंट्स बैठे होते हैं जो एक्साइज के होते हैं, उनसे बात करें, वो आपसे कुछ पैसे लेंगे। मैं यही कहूँगा कि भाई सबसे पहले इसको परचेज करने की पहले ना आप उस बंदे को हार डालें, अगर आपका कोई खुद अपना कराची में कोई रहता हो ना, तो फिर बंदा वहाँ पे वेरिफिकेशन करता है। लाहौर में इस वजह से इसकी प्राइस कम है क्योंकि इस गाड़ी को यहाँ पे लाहौर में काफ़ी रोका जाता है, क्योंकि कराची की गाड़ी होती है वेरिफिकेशन के लिए ना। सो ऐसे लाहौर, जैसे लाहौर की गाड़ी आउट ऑफ सिटी जाती है, इस्लामाबाद चली जाती है, तो कराची किधर लेके गया वो अपनी दुकान पर ले गया। तो अब वो जैसे कि वो सीन, जैसे हम लाहौर की गाड़ी इस्लामाबाद जाते हैं, एंटर होते ही वो चेक करते हैं भाई, सारी इन्वेस्टिगेट करके गाड़ी को इजाज़त देते हैं जाने की, ऐसी हर चीज़ का होता है। और अच्छा, गाड़ी चेक कराची की लेने से पहले पता क्या, कराची की गाड़ियों में ना सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसमें रस्ट बहुत होता है। रस्ट इस वजह से होता है क्योंकि उधर की ज़रा आबो हवा से एक गाड़ी की ना रस्ट पकड़ लेती है, बहुत जल्द पकड़ती है वो गाड़ी रस्ट। और रस्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले आप उसके मेट वगैरह नीचे से देखें उतार के, ये पॉशिश वगैरह उतर जाती है, इनकी रपटें होती हैं, वो देखें, डिग्गी चेक करें, इसकी फ्रंट चेक करें, फ्रश वगैरह देखें, और गाड़ी एक बार चकवा नीचे से उठवा के ना, चकवा के ना थलो देख लो। सो जब नीचे से चेक करोगे आपको पता लग जाएगा किधर किधर से रस्ट है। और रस्ट को रिमूव करने के लिए केमिकल्स तो बहुत हैं, लेकिन जो रस्ट पकड़ लेती है ना गाड़ी, वो आपको कबाड़ा करके ही देती है। ये नहीं होता कि जी रस्ट इस केमिकल से ख़त्म हो जाएगा, ऐसे होगा जाएगा तो वैसे हो जाएगा, हाँ केमिकल लगवा लोगे 3-4 महीने गुजर जाएंगे, फिर वही की वही चीज़ आ जाएगी। फिर वहाँ पे उसका जो असल मसला जो है उसका हल ये होता है कि आप जिस जिस जगह पे भाई रस्ट पकड़ा हुआ और काफ़ी गंदी तरीके के रस्ट पकड़ा हुआ है, मगर डेंटर के पास जाएँ, उसको कहेंगे ये पीस कट करके इसके अंदर एक पीस रख के लगा के वेल्डिंग करते हो, वेल्डिंग करने के बाद उसको पेंट शेंट करवा लो। पेंट शेंट नीचे वाली फर्श है तो करवाने का फ़ायदा नहीं है, अगर बॉडी का कलर मिलता है तो करवा लो, नहीं है तो भाई कोई मसला नहीं, क्योंकि वो नीचे फर्श वाली साइड पे आ जाता है, ऊपर मैटिंग सेटिंग हो जाती है, नहीं पता लगता। अच्छा, अब गाड़ी खरीदने से पहले जब आप चीज़ें चेक करते हो तो भाई उसकी इंजन वाली सबसे पहले चीज़ें चेक करो कि कहाँ से कोई लीकेज शीकेज तो नहीं है, नीचे से नहीं लगी हुई, ऊपर से तो नहीं लगी, इसकी सीलें इस जो होती हैं सारी वो चेक करें भाई, एक्सीडेंटल तो नहीं है गाड़ी, वो सारी चेक करने के बाद अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अबाउट मुझे बताइएगा जी, मैं आपको फिजिकली सारी गाड़ी चेक करके बताऊँगा कि भाई कैसे चेक करते हैं और कैसे पता लगता है एक्सीडेंटल है कि नहीं है, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान में बहुत दो नंबरी होती है मेरे भाइयों, बहुत ज़्यादा दो नंबरी होती है कि मैं रिसेंटली एक रिबॉन लेने लगा था, रिबॉन लेते लेते भाई अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया, वो तो शुक्र है कि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, वो गाड़ी यहाँ यहाँ से कट होके ना वेल्डिंग हुई हुई थी, ठीक है भाइयों, वो गाड़ी यहाँ से वेल्डिंग होके ऊपर मतलब कि ना उसका पेंट शेड हुआ हुआ था, कुछ पता नहीं लग रहा था बिकॉज ये ऊपर पिलर शिलर आ जाता है, नीचे से उसका फ्रेम पूरा वेल्डिंग हुआ हुआ था। वो तो मैंने ऐसे देखी जब मैंने गाड़ी नीचे से उठवाई, रैंप पे खड़ी करके ना उठवाई, तो नीचे से देखा तो ना वेल्डिंग की सारी वो जो होती है ना तड़पाइयाँ वो हुई हुई थी, मैंने वहाँ से पकड़ लिया उसको, कहता भाई नहीं ऐसे तो ये फलान फलून। सो ये बड़ी दो नंबरियाँ होती हैं मेरे भाइयों, गाड़ी लेने से पहले उसको चेक करवाओ, नीचे ऊपर से आगे पीछे फ्रंट बैक देखो, अंदर से देखो भाई कहीं एक्सीडेंटल तो नहीं है, कहीं सीलें तो नहीं डिस्टर्ब हुई हुई, कहीं नीचे से लगी हुई है या ऊपर से लगी है, मतलब हर चीज़ को चेक करके लो। अगर आपको नहीं है इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के अबाउट, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अच्छा गाइड कर दूँ। सो अब कराची की गाड़ी लेने का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जी पाकिस्तान लाहौर में उसकी बिल्कुल बहुत डी वैल्यू गाड़ी है वो, क्योंकि उसकी यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं होती, क्योंकि कराची में उसकी सारी वेरिफिकेशन होती है, लाहौर में नहीं होती, ऐसे लाहौर की गाड़ी लाहौर में वेरिफिकेशन की जाती है, इस्लामाबाद कराची में तो नहीं होगी, ऐसी हर सिटी की ना अपनी अपनी वेरिफिकेशन होती है। सो इन चीज़ों को चेक करने के लिए मेरा भाई सबसे पहले तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाओ, उसकी जो फिज़िकल आपको फाइल दे उसको देखो सारा चेक करो, उसके बाद अगर आपका कोई अपना जानने वाला है एक्साइज में तो सबसे बेहतरीन बंदा है वो आपकी हेल्प भी कर देगा, दो नंबर ही नहीं होने देगा। यहाँ से अपनी फाइल के सारे उसको पेजेस वगैरह के पिक्चर्स भेजो, उसको बताओ इतने इतने बीच में पेजेस हैं, ये इसके नाम ऑनर का आईडी है, ये मसले उसको सारे क्लियर करो, वो आपको बता देगा कि भाई इसका कोई ऑनर गायब है या ऑनर की डॉक्यूमेंटेशन मिस है, वो आपको सारा बता देगा, ठीक है। गाड़ी लेने के असूल तरीके आपको मैंने बता दिए कि सारी चेक करें, फिजिकल उसको चेक करें, इंस्पेक्शन करवा लें पार्कविल के, अगर नहीं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको खुद गाड़ी की एक वीडियो बना के बता दूंगा। सभी अजान हो रही है, अजान होने के बाद बात करते हैं, ओके गाइस। तो जी अब बात हो रही थी हमारी
गाड़ी में अंदर ही बैठ जाता हूँ, आगे वो काम करेगा गाड़ी के अंदर। बहरहाल ना बात इतनी सी हो रही थी कि जी अब हाँ गाड़ी अगर आपने परचेज करनी है तो उससे पहले कौन सी चीज़ें चेक करनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस चीज़ का आपको अच्छी सी एक वीडियो बना के बता दूंगा। और भाई ये पूछे थे कि यार ये आपने इतनी सेविक रखी है तो किस प्राइस ब्रैकेट में ली है और कितने की बेची हैं, ये प्रॉफिट लॉस में बता दें। हाँ मैं आप बता देता हूँ, मेरी एक पुरानी सेविक थी, एक उससे पहले भी थी, तकरीबन मैंने 4 सेविक रखी हैं यही वाली, और सीक्वेंस से रखी है ठीक है। 3 गाड़ियों की तो वीडियोस वगैरह पिक्चर्स होंगी, मैं आपके साथ वो किसी दिन कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। मेरे पास 3 ही माशाल्लाह जेन्युइन, ये तीसरी चौथी भी है जेन्युइन है, चारों की चारों जेन्युइन थी ठीक है। और मैंने जो सबसे पहले सेविक थी वो ली 12.5-13 की थी, और मैंने उसको सेल इस वजह से किया था क्योंकि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी थी और मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाए थी, 14.5-15 की मैंने सेल करती थी। वो जिसको बेची है वो भी अपने दोस्त ही हैं और वो माशाल्लाह यूज़ करें कहेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी बुलाएंगे, मीटअप करेंगे, उनको दिखाएंगे आपको वो वाली गाड़ी भी। और काफ़ी दोस्त हैं जिनके पास सेविक ES है, मतलब कि हमारे ग्रुप में तकरीबन कोई होंगी कोई 15-20 तो गाड़ियाँ माशाल्लाह हैं। तो ये गाड़ी अगर नीट एंड क्लीन है तो भाई ये गाड़ी आपको प्रॉफिट ही देती है, और अल्लाह माफ़ करे कभी लॉस वगैरह नहीं हुआ। और जी इसके अलावा गाड़ी की मैंने 12 की लेके 14.5 की बेची थी, उसके अलावा जो बात थी जो ग्रे वाली सेविक थी वो मैंने ली थी 14.5 की लेके, मैंने 16.5 की बेची थी, उस पर 1,00,000 रुपया मेरा लगा था वैसे भी। और ये मैंने खुद मतलब कि 16.5 की गाड़ी ली थी और अभी तक माशाल्लाह चल रही है, मुझे 17 कुछ ऑफर भी है लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल बेचनी नहीं है। बस मैंने वैसे ही बड़े दोस्तों ने कहा गाड़ी बेचने पर लगाई हुई है लेकिन बेचनी नहीं थी, जस्ट वैसे ही मैं इसका रेट चेक कर रहा था। सो माशाल्लाह अभी गाड़ी चल रही है, जैसे ही गाड़ी का कोई चेंजिंग का ऑप्शन हुई तो इंशाल्लाह बताएंगे आपको, मेरा अब जो मूड है वैसे लूँगा। तो नहीं यार एक मिनट मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो अब मेरी अगर गाड़ी का जो चेंज करने का मूड हुआ तो वो होगी अकॉर्ड होगी, वही जो 5-6 मॉडल CL9 आई हुई है वो लेने का मूड होगा, वो लूँगा लेनी हुई तो इंशाल्लाह उसका मूड होगा। बाकी इसके अलावा कोई भाई ने चीज़ पूछनी है तो पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं, वो गाड़ी फाइनल होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस हाँ तो हो चुकी है भाईजान, देख सकते हैं आप गाड़ी के हालात दिखाऊँ आपको। ये मसले हैं यहाँ पे, गाड़ी फुल कट्टे कट्टी हो गई भैन श्री, इंज लग रहा है जिम्मे रेगिस्तान आया मैं। आओ जरा अभी दिखाते हैं आपको फाइनल। सो गाइस आप गाड़ी देख सकते हैं, लाइट्स वगैरह ज़रा इसका वो करवाया है, मैं आपको दिखाता हूँ जरा। ये लाइट्स इसकी करवाई है, गाड़ी अभी काफ़ी गंदी है, पहले मैं इसको साफ़ कर लूँ एक बार, ये देखिए मैं साफ़ करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइस ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये गाड़ी के अंदर LED बल्ब्स लगवाया मैंने और लाइट्स के ऊपर मैंने वो स्मोक कर दिया था, और जो स्मोकी ग्रे कवर होता है, कवर जो भी होता है स्टिकर टाइप वो करवाया है। उसके अलावा लाइट उससे काफ़ी कवर होगी, अभी तो इसका चेंज करवाएंगे इंशाल्लाह, अगर मुझे अच्छी मिलेगी काबली लाइट्स साफ़ सुथरी तो इंशाल्लाह वो करेंगे। ओवरऑल मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, इंटीरियर सारा नीट एंड क्लीन करवा दिया हुआ है, बड़ी मेहनत हुई है गाइस बहुत ज़्यादा, ये भाई ने खुद ही लिख दिया है अपनी मर्जी से। और एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने ग्लॉसी ब्लैक में कराया था कि दोनों मैच हो जाएं, ये करवाया है और ये सारा हुआ है टोटली हुआ है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से छोटी सी टेक्निक लगाई है, ये LED बल्ब्स में आई है इस वजह से आपको लग रही है, एक मिनट मैं इसकी नहीं ये ऑफ करता हूँ। सो ये देख सकते होंगे आप, ये लाइंस बनवाई है, ये काफ़ी अच्छी लगती हैं, मैंने कुछ गाड़ियों की देखी थी, ये मॉर्निंग में आपको अच्छी लगेंगी और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अभी इसको वॉश होना था बट मैं इसको कपड़ा छपड़ा मारा, आप देख रहे होंगे निशान अक्सर अभी भी नज़र आ रहे होंगे आपको। तो बाकी
कुछ भाइयों के जो सवाल थे वो उम्मीद है कि उनके सारों के जवाब दे दिए हैं मैंने, अच्छे से दे दिए होंगे। सो अब भाई को दें इजाज़त, कुछ भी चीज़ पूछनी हो सो इंशाल्लाह उसके लिए आपका भाई हाजिर है। और सारी चीज़ें मैंने बता दी थी आपको, और ये टोटल जो खर्चा आया मेरा जो अंदर मैंने इसको रैप शैप करवाया, मैंने पेंट शर्ट नहीं करवाया क्योंकि पेंट शर्ट में ये होता है कि यार ओरिजिनल नीचे का जो कलर होता है वो फेड हो ख़त्म हो जाता है। सो मैंने इस वजह से करवाया था कि चलो जेन्युइन की जेन्युइन भी रहेगी और जब दिल करेगा मैं इसको उतार लूँगा। सब चलते हैं और जी। सो सारे भाइयों के सवाल के जवाब दे दिए थे मैंने यार, कराची की गाड़ी का भी मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा जो मतलब के और चीज़ें थी मतलब के लेने से पहले जो चीज़ें क्या चेक करनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया जी। लीकी शीक की चेक करें, गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ी सी गर्म होने के बाद उसको रेस दें, क्योंकि कुछ भाई कहते हैं कि जी ठंडी गाड़ी को जी रेस ना मारें ये वो ऐसे वैसे, बहरहाल जी उसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन आप फिर भी अगले की गाड़ी को बचाने के लिए यार वो उसकी सेफ्टी के लिए आप उसको पहले गाड़ी को गर्म करें, गर्म करने के बाद उसको थोड़ी सी हाई आरपीएम 5-6 RPM पे रख के उसको थोड़ी सी रेस दें ताकि आपको उसका सारा रिजल्ट पता लग जाए कि इंजन वीक है, धुआं शुआं तो नहीं मार रही, वाइट धुआं है मतलब ग्रे धुआं है या काला धुआं है, उसका भी सारे सिम्टम्स होते हैं, उसके भी आगे से मसले मसाइल होते हैं। ये देखें गाड़ी की सारी सील्स चेक करें कि इनसे डैमेज तो नहीं है, कहीं से डैमेज है और वो मान नहीं रहा। हाँ रस्ट की वजह से सील डैमेज हो जाती है, वो डैमेज होना और ठोके वाली मतलब कि जो थोड़े वगैरह वाली जो होती है उस पर पता लग जाएगा आपको, इजीली फर्क होगा उसमें। और आप मुझे कहेंगे कि मजीद यार हमें इन चीज़ों के अबाउट बताओ कि गाड़ी लेने से पहले कैसे चेक करना है कि कौन सी सील ठीक है, कौन सी डिस्टर्ब है सील, कहाँ से गाड़ी लगी है, कैसे पता लगेगा, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। उसके अलावा यार किसी चीज़ का पूछना हो आपका भाई हाजिर है, और भाई के चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और इंशाल्लाह मज़ीद मॉडिफिकेशन आहिस्ता आहिस्ता मैं करूँगा इसको, डे बाय डे करेंगे ताकि अच्छी लगे, मज़ा आए आहिस्ता आहिस्ता करने का, एकदम करेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा, सो स्टेप बाय स्टेप करेंगे इंशाल्लाह। सो हाँ मैंने आपसे पूछना था यार, मैंने बोनट के इसको रैप करवाना था, किसी अच्छे से कलर को सजेस्ट कीजिएगा जो ब्लैक पे सूट करें, तो वो भी मैं आपकी इंशाल्लाह देखूंगा, अगर अच्छा कलर आप सजेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं वो उसमें चेंज करूंगा उसको। अभी के लिए अब भाई को दें इजाज़त और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। उम्मीद है कि अब सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी, और किसी चीज़ की नहीं समझ आई भाई हो फिर भी आप मेरे इंस्टा पे आ सकते हैं और इंस्टा से मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैं एक्टिव रहता हूँ, मैं जितना जल्दी होता हूँ उतना जल्दी रिस्पॉन्स देने की कोशिश कर रहा होता हूँ। सो अब भाई को दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।